हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और ये डिज़ाइन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को। तो पहले पार्ट में हमने बेसिक देखा था कि किस तरह से बनाएं। यहाँ पे हम जो मुंह है बदक का वो बनाएंगे या डक का। तो शुरुआत करते, आपको परफेक्ट सर्कल पता होगा किस तरह से बनाना है। अगर नहीं पता है तो यहाँ पर देख लीजिएगा, परफेक्ट सर्कल वाले जो पैटर्न है उसी से हम ये शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया के साथ कर रहे हैं। तो शुरुआत में हम 6 सिंगल क्रोशिया पहले राउंड में बनाएंगे। हर राउंड की शुरुआत में आपको एक चैन बनानी है और बाकी फिर जितने सिंगल क्रोशिया है वो बनाने हैं। तो एक चैन मैंने यहाँ पे बनाई और उसके बाद 6 सिंगल क्रोशिया बनाए। 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद धागे को अच्छे से टाइट कस लीजिएगा और इस राउंड को कंप्लीट करने के लिए जो पहली चेन हमने बनाई थी, जब पहली स्टिच है उसमें आप इसको अटैच कर दीजिएगा। इसके बाद सेकंड राउंड की शुरुआत वैसे ही करेंगे, एक चेन और फिर आगे वाली स्टिच में या उसी स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, इसके बाद हर एक स्टिच में जो 6 स्टिचेस हैं, क्योंकि 6 सिंगल क्रोशिया बनाए थे हमने, तो हर एक स्टिच में आपको 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाने। तो यहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया की संख्या है वो बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी। पहले राउंड में 6 थे तो यहाँ पे आपके 12 बन जाएंगे। इसी तरह से राउंड आपको कंप्लीट कर लेना है। अब तीसरा राउंड शुरू करते। तीसरा राउंड भी सिंपल है, एक चैन बनाएंगे। पहले स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, दूसरी स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। हर राउंड के साथ सिंगल क्रोशिया की संख्या 6-6 से बढ़ेगी। जो अपने पहले, अगर परफेक्ट सर्कल नहीं पता आपको कैसे बनाना है, तो उसकी भी मैंने वीडियो डाल चुकी हूँ, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा बताऊँगी, वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में बेसिक बताया है। तो आपको पहले एक सिंगल क्रोशिया एक स्टिच में, फिर दूसरे में 2, इस तरह से बनाने हैं। इसके बाद हम चौथा राउंड शुरू करेंगे। चौथा राउंड एक चैन, फिर आगे वाले एक एक सिंगल क्रोशिया और तीसरी स्टिच में आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। मतलब यहाँ पे आपके एक सिंगल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया। मतलब पहले 2 स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया आएगा और तीसरे नंबर के स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया आएगा। इस तरह से हमारे हर राउंड में जो सिंगल क्रोशिया की संख्या वो बढ़ेगी। इसमें 24 सिंगल क्रोशिया होंगे। ब्रैकेट में मैंने आपको हर राउंड के सिंगल क्रोशिया के टोटल नंबर दिए हुए हैं। अगर आप पहली बार बना रहे हो तो वो, अगर आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ है तो फिर काउंट कर लीजिएगा और मैच कर लीजिएगा कि सेम है या नहीं। फिर पांचवा राउंड सेम, आपको पहले 3 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और चौथे नंबर की स्टिच में आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसी तरह से एक एक और एक, पहले 3 स्टिच में हमने एक एक बनाया और चौथे नंबर की जो स्टिच है उसमें हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। तो इस तरह से आपके यहाँ पे हो गए 30 सिंगल क्रोशिया। इसके बाद 6 नंबर का राउंड है, शुरुआत एक चैन के साथ करेंगे। फिर जो 4 स्टिचेस है उनमें आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है और जो 5वें नंबर की स्टिच है उसमें आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, 4 स्टिच में हमने एक एक बनाया और जो 5वें नंबर की स्टिच है उसमें आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। सिंपल सा है, परफेक्ट सर्कल ऐसे ही बनता है। यहाँ पे हमने 6 राउंड बना दिए। अब 7वां राउंड शुरू करते हैं। तो 7वें राउंड में भी पहले 5 स्टिच में आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और जो 6 नंबर की स्टिच है उसमें आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये देखिए, 1, ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और ये 5। 5 स्टिच में हमने एक एक बनाया और ये 6 नंबर के स्टिच में आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो टोटल हमारे 42 सिंगल क्रोशिया बनेंगे हमारे 7 राउंड में। अब हमारा 8वां राउंड शुरू करते हैं और यहाँ से हल्का सा चेंज है। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चैन बनानी है और हर एक स्टिच में आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब इस यहाँ पे कोई डबल सिंगल क्रोशिया नहीं बनेगा एक स्टिच में, हर स्टिच में बस सिंगल एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। शुरुआत आपने जहाँ से की वहाँ से आपको काउंट करने हैं 21।
क्योंकि हमने देखा था जो 7 नंबर का राउंड था 42 बने थे, तो उसके आधे हमने 21 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब इस तरह से आप जो सर्कल है उसको मोड़ लीजिए और पहला और लास्ट वाली जो स्टिचेस है उनको इस तरह से स्लिप नॉट के साथ अटैच कर दीजिएगा। इस तरह से दो सर्कल बन जाएगी, बीच के बीच हमने जोड़ दिया इस तरह से एक और पीछे की तरफ से एक। अब जहाँ पे हमने 21 सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसी के ऊपर आपको आगे वाला राउंड बनाना है जो 9 नंबर का। एक चैन बनाएंगे, उसके बाद आपको एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनानी है यहाँ पे। तो पहले हम 1 2 3 4 5 स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जो 6 नंबर की स्टिच है उसमें हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया एक्स्ट्रा ऐड हो गए, तो टोटल अभी 24 नंबर बन गए सिंगल क्रोशिया के, ठीक है। अब इसके बाद जो 10 नंबर का राउंड है उसमें आपको क्या करना है, हर एक स्टिच में एक चैन बना दी, फिर आगे वाले हर एक स्टिच में बस सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो 24 सिंगल क्रोशिया बने थे हमारे पहले राउंड में, इसमें भी आपके 24 ही बनेंगे। इस तरह से ये वाला राउंड आपको कंप्लीट करना है 10 और 11। याद रखिएगा 10 और 11 राउंड में हमने 24 बनाए, और अब जो 12 राउंड भी आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, पर जो लास्ट वाली स्टिच है उसको स्किप करके आगे वाले में डायरेक्ट अटैच करना है। ये देखिए ये बीच वाली स्किप है, स्किप करनी है जो 12 नंबर का राउंड है। इसके बाद 13 नंबर के राउंड में भी आपको सेम वही करना है। अब हम क्या करेंगे कि एक एक स्टिच, एक एक जो सिंगल क्रोशिया की स्टिच है उसको छोड़ देंगे, तो सिंगल क्रोशिया की संख्या अपने आप हर राउंड के साथ कम होती जाएगी। जो 24 थी फिर 23 हुई, इस 13 नंबर के राउंड में अभी 22 सिंगल क्रोशिया होंगे, क्योंकि हमने ये जो जहाँ पे जॉइंट पॉइंट है वहाँ से एक 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 करके सिंगल क्रोशिया को घटाते जा रहे हैं, क्योंकि हमें अब मुंह की तरफ आगे की तरफ थोड़ा सा पतला पतला छोटा छोटा बनाना है, इसीलिए हमने एक एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे कम की है। इसी तरह से आपने 15 नंबर का राउंड बना दिया। अब यहाँ से आपको 16 नंबर का राउंड बनाना है। तो 16 नंबर के राउंड में हमने क्या किया, पहले जो 4 स्टिचेस थे उनमें हमने यहाँ से देखिएगा ये एक सिंगल क्रोशिया, फिर ये 2 सिंगल क्रोशिया, फिर ये 3 सिंगल क्रोशिया, फिर ये 4 सिंगल क्रोशिया। तो 4 सिंगल क्रोशिया हमने बनाई, और अभी 5 और 6 नंबर का स्टिच है उसको आपको इस तरह से बनाना है और दोनों को एक साथ मिला देना है, तो मतलब एक स्टिच बनानी है। तो अब इस वाले राउंड से हमने क्या करना है, मर्ज करते जाना है। तो पहले 4 स्टिच में एक एक बनाएंगे और 5वें और 6 नंबर के स्टिच को एक साथ जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमने 16 नंबर का राउंड बना दिया, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया की संख्या 15 हो गई। अब आपको 17 नंबर का राउंड बनाना है, तो इसमें आपको सिंपल हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, और जो लास्ट वाला जहाँ पे जॉइंट पॉइंट करते हैं बस वही वाला स्टिच आपको यहाँ पे स्किप कर देना है। तो इस तरह से हमने 15 नंबर के राउंड में आपके स्टिचेस बन गए। अब यहाँ से हम 18 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। 18 नंबर के राउंड में हमने पहले क्या किया, 3 सिंगल क्रोशिया बनाए और 4थे और 5वें नंबर की स्टिच है उनको एक साथ मिला दिया, मतलब मर्ज कर दिया। फिर आगे और 3 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाए हमने, 4थे और 5वें नंबर की स्टिच को कम कर दिया। इसी तरह से आपको पैटर्न फॉलो करना है और 19 और 20 और 2 राउंड कम बनाने हैं, मतलब जो स्टिचेस की संख्या है उनको मर्ज करते करते छोटा छोटा बना दे जाना है और 19 और 20 राउंड कंप्लीट कर देना है इस तरह से। फिर लास्ट में इसको अटैच करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा आपको लेके धागे को कट कर देना है। ये देखिए अब एक सुई की मदद से आप पहले धागे को अच्छी तरह से यहाँ पे स्टिच लगा दो, और जो थोड़ा सा ओपनिंग रह गया है अगर आप क्रोशिया की मदद से कर सकते हो तो वैसे कर लीजिए,
अगर आप नहीं कर सकते तो इस तरह से सुई की मदद से यहाँ पे स्टिच लगा दीजिएगा, पर प्रॉपर तरीके से इसको क्लोज कर दीजिएगा टाइटली, फिर नॉट लगा के जो एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से हमारा मुंह बन गया है, आगे की तरफ छोटा छोटा होता जा रहा है। अब हमें इसकी चोंच बनानी है। आपके पास कॉटन है या कोई ख़राब कपड़ा है, या मेरे जैसे ऐसे जो टेडी बेयर्स आते हैं, मेरे पास तो ख़राब टेडी बेयर था, उसमें से जो रुई मिलती है वो मैंने डाल दी है। अब इसकी चोंच हम बनाएंगे। चोंच भी आपको सेम उसी पैटर्न से बनानी है जैसे हमने वाइट कलर का शुरुआत वाला फर्स्ट राउंड बनाया था। सर्कल बना के एक चैन और 6 सिंगल क्रोशिया बनानी है पहले राउंड में, सेम उसी तरह से जैसे आपने शुरुआत की थी इस वाले पैटर्न में। 6 सिंगल क्रोशिया बना के धागे को अच्छी तरह से टाइट खींच लीजिएगा और राउंड को पहली वाली स्टिच में सेम स्लिप नॉट के साथ इसको अटैच कर दीजिएगा। फिर अब दूसरे राउंड में आपको क्या करना है, एक चैन और हर एक स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस वाले में भी आपको 12 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से थोड़ा चेंज है, इसके बाद हमें 3 नंबर का जो राउंड बनाना है उसमें बस हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अभी आपको राउंड को गोल नहीं बनाना, इसको एक टोपी जैसे शेप देना है, चोट जैसा शेप देना है। तो यहाँ पे आप बस 12 के ऊपर 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और राउंड को कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से आपको टोटल 7 राउंड बनाने हैं, 7-8 अब बना सकते हो। तो पहला 6 बनाए, फिर हमने दूसरे में 12 बनाए, और उसके बाद आप 4 से 5 राउंड बना दीजिएगा जो 12-12 सिंगल क्रोशिया होंगे। ठीक है, ये 3 और 4, तो टोटल मैंने यहाँ पे 7 राउंड बनाए हैं। और ये देखिए इस तरह से कैप जैसा बन गया। अब इसकी हमें आँखें बनानी है, तो उसके लिए क्या हमारे 12 सिंगल क्रोशिया है तो आपको कहीं पे भी अटैच कर दीजिए, या जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहाँ से एक स्टिच छोड़ के दूसरे या तीसरे नंबर की स्टिच में आप इसको अटैच कर दो सिंगल क्रोशिया के साथ। ये देखिए इस तरह से जो एक्स्ट्रा धागा है उसको बाद में कट कर देंगे हम। फिर उसके बाद आपको एक एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। टोटल यहाँ पे आपको 9 सिंगल क्रोशिया बनानी है, ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, 7, 8 और ये 9। तो टोटल हमने यहाँ पे क्या किया, 9 सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर धागे को घुमा लिया एक चैन और आगे वाली 4 स्टिचेस में एक एक करके 4 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे हमने बना दिए। 4 सिंगल क्रोशिया के बाद फिर राउंड एक चैन, राउंड को घुमा दिया, आगे वाले लेयर में आपको 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से हर लेयर के साथ एक एक सिंगल क्रोशिया कम होता जाएगा, फिर एक चैन, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, ये देखिए किस तरह से, फिर एक चैन, फिर एक सिंगल क्रोशिया और फिर एक चैन, और थोड़ा एक्स्ट्रा धागा रखकर इसको कट कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको दूसरी तरफ से भी बनाना है। ये देखिए 2 पैटर्न बनाने हैं हमने, बीच में एक 9 स्टिचेस बनाई थी, 4-4 इस साइड से, तो बीच में एक स्टिच को छोड़ देना है। अब इस तरह से देखिए आपको आगे की तरफ से इस चोंच को यहाँ पे अटैच कर देना है। अगर आपके पास चिपकाने वाली कोई चीज़ है तो उसकी हेल्प से इसको चिपका दीजिएगा, मतलब जो स्टिचेस है या कुछ वो एक्स्ट्रा दिखेगा नहीं, प्रॉपर तरीके से लुक मिलेगा इसको। तो यहाँ पे मैंने गौन का इस्तेमाल किया है जो, और फिर इसको अच्छे से यहाँ पे चिपका दिया है। ये देखिए अगर आप चिपकाने के बाद जो एक साइड से मैंने थोड़ा कम धागा रखा है तो थोड़ा एक्स्ट्रा धागा रखिएगा, इतना छोटा मत रखिए। तो अभी यहाँ पे हमें, अगर आपके पास मोती है काला कलर का या आँखों जैसा कुछ है तो उसको यहाँ पे अटैच कर दीजिए, नहीं है तो बस इस तरह से एक नॉट लगा दीजिएगा, बड़ी वाली नॉट, बट एकदम वहाँ लास्ट वाले कोने में, बीच में कहीं मत आइएगा। और फिर बस धागे को अंदर की तरफ डाल के पीछे की तरफ से उसको निकाल लीजिए हुक को,
ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारी एक आग बन गई। इसी को आपको फॉलो करना है और दूसरी तरफ से भी सेम बनाना है। फिर इन दोनों धागों को मिला के अच्छे से टाइट नॉट लगा दीजिएगा कि वो निकले नहीं। एक्स्ट्रा धागे जहाँ पे भी है उसको कट करके अंदर की तरफ उसको टैक कर दीजिएगा, तो इस वजह से आपकी फिनिशिंग है, लुक है, वो बहुत अच्छे दिखेगा। यहाँ पे हमारी आँखें बन गई। अब नीचे जो गर्दन वाला पोर्शन है उसको आपको बनाना है, तो यहाँ से आप स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है वहाँ से अटैच कर दो, जहाँ पे हमने दो अलग अलग सर्कल बनाए थे 9 नंबर के राउंड से। तो 21 स्टिचेस इस साइड से भी थी, 21 स्टिचेस उस साइड से थी। तो इन 21 स्टिचेस के ऊपर बस आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब नेक वाला पोर्शन है वहाँ पे आपको कुछ बढ़ाने की या घटाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल 21 स्टिचेस है हर एक राउंड में, तो आपको हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। बस यहाँ पे आपको राउंड क्लोज नहीं करना, बताती हूँ मैं। पहले आप हर एक राउंड में या हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लो इस तरह से। कोई भी स्टिच छोड़नी नहीं है आपको, पूरे 21 सिंगल क्रोशिया बना दीजिएगा। बट नॉर्मली हम क्या करते हैं, राउंड जब ख़त्म होता है तो वहाँ पे दोनों राउंड को एक साथ जोड़ देते हैं और फिर एक चैन करके दूसरा राउंड शुरू करते हैं। बट नेक वाले पोर्शन में आपको वैसे नहीं करना है, तो डायरेक्ट कंटिन्यूटी राउंड बनाना है, मतलब जोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, या आगे 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 राउंड बनाते जाना है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो इस तरह से थोड़े थोड़े 8-8, 10-10 राउंड बना लीजिएगा। उसके बाद जो कॉटन है उसको डाल के उसको टाइट करते रहिएगा। थोड़ा थोड़ा डाल के आप टाइट करोगे तो वो प्रॉपर शेप ले पाएगा। एकदम से पूरा बनाने के बाद डालोगे तो कहीं पे ज़्यादा लग जाएगा, कहीं पे थोड़ा। तो वो जब आप बना रहे हो 5-5, 6-6 राउंड जैसे बनते हैं, तो थोड़ा कॉटन डाल के तो वो अपने आप एक शेप लेता चल जाएगा। तो इस तरह से जो प्रॉपर शेप है वो आएगा। अब 10 राउंड के बाद आपको क्या करना है, थोड़ी गर्दन जो है वो हल्की सी कम करनी है। तो आप देखिए हमें टोटल 16 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, तो हर राउंड में एक एक दो दो स्टिचेस को मर्ज कर दीजिए। 21 स्टिचेस हैं तो 5 बार आप कहीं पे भी इसको अपने अंदाजे से स्टिचेस को मर्ज कर दीजिए। अगर धागे को जॉइंट किया है, नॉट लगाया है, तो उनको अंदर की तरफ नॉट डालिएगा, जिस वजह से वो लुक प्रॉपर दे पाएगा और फिनिशिंग लुक अच्छे से दिखेगा। तो इसी तरह से हमने देखा कि पहले 10 राउंड के बाद 11, 12, 13 में हर 2-3 राउंड में आपको दो दो स्टिचेस को मर्ज करना है, और लास्ट में आपको 13-14 राउंड के बाद 16 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं हर राउंड में। और इसी तरह से कम और 10 राउंड बनाने हैं आपको नीचे की तरफ। और इस तरह से हमारी गर्दन तैयार हो गई है। बताइए कैसे लगी, अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।